हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का सेकंड लेक्चर टीलेज के ऊपर पढ़ेंगे इट्स डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज टाइप्स ऑफ टीलेज इफेक्ट ऑफ टीलेज ऑन सॉइल एंड टीलेज इम्प्लीमेंट्स के ऊपर इन पिक्चर्स में टीलेज दे रखा है हम टीलेज कैसे करते हैं फर्स्ट प्रोसेस बाई यूजिंग बुलॉक्स ये विलेजेस में यूज़ होता है और ये पुराना टाइप का मेथड है और सेकंड पिक्चर में मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करके बाय यूजिंग ट्रैक्टर हम टीलेज प्रोसेस कर रहे हैं टीलेज टीलेज वर्ड टीलियन वर्ड से मिलके बना है जो कि एंग्लो सैक्सन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि हम सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं सीड लगाने के लिए और जिस टाइम क्रॉप लग जाती है उस टाइम हम टीलेज प्रोसेस को करते हैं ताकि Soil के अंदर जो एक्स्ट्रा वीड्स होते हैं उनको हम रिमूव कर फादर ऑफ सकेज हम टूल को बोलते हैं इन्होंने हमें बताया था कि करने से हम को फाइन पार्टिकल्स के के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनको और बारीक कर देते हैं छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं टीलेज की डेफिनेशन क्या होती है द मैकेनिकल मैन्युपुलेशन ऑफ द दॉइल विथ टूल्स एंड एम्प्लीमेंट सो एज टू क्रिएट फेवरेबल सॉइल कंडीशन फॉर बेटर सीड जर्मिनेशन एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इज़ नॉन एज टीलेज टीलेज का मतलब होता है इसमें हम सॉइल को टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके ऐसे डिवाइस को हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सॉइल को मैन्यूपुलेट कर रहे हैं सॉइल के फॉर्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि हम उसमें सीड लगा सकें और हम उसमें क्रॉप लगा सकें क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से हो इसीलिए हम उसको मैनुपुलेट कर रहे हैं हम उसको डिस्टर्ब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीलेज टीलेज करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीलेज प्रोसेस से हम एक नया सीड बेड प्रिपेयर करें ताकि जो फील्ड है हमारा जिसमें हमको क्रॉप लगानी है उसमें हम सीड लगाने के लिए सॉइल में टीलेज प्रोसेस करते हैं ताकि हम सीड लगा सकें नेक्स्ट टू लूजन द सॉइल हम इजी रूट पेनिट्रेशन के लिए सॉइल को लूज़ कर देते हैं ताकि जो हमारी क्रॉप लग रही है उसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो सके और अंदर से जा सके नेक्स्ट और अदर स्प्राउटिंग मटेरियल हटाने के लिए जैसे कि जो अलग से प्लांट्स लग रहे हैं वो वेस्ट प्लांट लग रहे हैं उनको हटाने के लिए हम टीलेज प्रोसेस का यूज़ करते हैं और वीट्स वीट्स क्या होता है अनवांटेड प्लांट्स तो अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए भी हम टीलेज प्रोसेस का यूज़ करते हैं पेस्ट और डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप में जो पेस्ट और डिजीजेस हो रही है उनको बचाने के लिए प्लांट से हम टीलेज प्रोसेस का यूज़ करते हैं और सॉइल की फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ताकि जो सॉइल है उसकी फिजिकल कंडीशन इम्प्रूव हो सके सॉइल के अंदर जो क्लोथ्स बन रहे हैं उसको हटा सके हम इसीलिए लिए टीलेज प्रोसेस करते हैं और टीलेज करने से सॉइल की सॉइल लूज़ हो रही है सॉइल के अंदर गैप आ जाता है जिसकी वजह से सॉइल की एरेशन पावर सॉइल के अंदर एयर का अमाउंट बढ़ जाता है और उससे माइक्रोबियल एक्टिविटी जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स होते हैं वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है उनका और जो सॉइल की बायोकेमिकल एक्टिविटी चलती है वो भी फास्टर हो जाती है और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है नेक्स्ट टू मॉडिफाई सॉइल टेम्परेचर और सॉइल टेम्परेचर को भी मॉडिफाई करने के लिए हम टीलेज प्रोसेस का यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर जो हार्ड पेंट्स होते हैं जो क्लोट्स होते हैं उनको हटाने के लिए उनको ब्रेक करने के लिए और ड्रेनेज फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए जैसे कि सॉइल uh, के अंदर हम पानी डालते हैं तो वो पानी अच्छे से अंदर तक जा सके डीप हो सके और ज़्यादा इसी हम टीलेज प्रोसेस का यूज़ करते हैं टू इनकॉर्पोरेट क्रॉप रेसीड्यू इन ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट ओवर प्लांट रेसीड्यू जो होता है लेफ़्ट ओवर जो प्लांट मटेरियल होता है वो प्लांट वो सॉइल के ऊपर आ जाता है और टीलेज प्रोसेस करने से वो डीप अंदर तक चला जाता है जिसकी वजह से ह्यूमस बनता है यू वो डिकम्पोज होके ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट होता है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है टू कंजर्व सॉइल बाय मिनिमाइजिंग द सॉइल इरोजन इससे हम सॉइल को भी कंजर्व कर सकते हैं टू हार्वेस्ट एफिशिएंटली द इफेक्टिव रेन वाटर और जो रेन वाटर है बारिश आ रही है उस अगर हम सॉइल को लूज कर देंगे तो जो बारिश का पानी है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा और वो रादर देन रन ऑफ वो वाटर क्या हो जाएगा अंदर पेनिट्रेट होगा टू फैसिलिटेट वाटर इन्फिल्ट्रेशन दस इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टीलेज प्रोसेस करने से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉइल के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से सॉइल ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और सॉइल को लेवलिंग करने के लिए सॉइल को लेवलिंग करने के लिए हम टीलेज प्रोसेस का यूज़ करते हैं अब है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ टीलेज टीलेज प्रोसेस दो टाइप का होता है ऑन सीजन टीलेज एंड ऑफ सीजन टीलेज ऑन सीज़न टीलेज प्रोसेस हम जब क्रॉप लगाने का टाइम होता है जिस टाइम पे क्रॉप फील्ड के अंदर लग रही होती है और जिस टाइम सीड लगाने का टाइम होता है उस टाइम पे हम ये प्रोसेस करते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं ऑन सीज़न टीलेज ऑन सीज़न टीलेज प्रोसेस हम जून जुलाई और सेप्टेंबर अक्टूबर के टाइम पर करते हैं ये दो टाइप का होता है प्रिपरीटी टीलेज एंड इंटर कल्टिवेशन और आफ्टर कल्टिवेशन प्रिपरेटी टीलेज का मतलब होता है ये हम ये प्रोसेस हम फील्ड को प्रिपेयर करते हैं ताकि क्रॉप जो क्रॉप हम लगा रहे हैं जो सीड हमको लगानी है उन सीड को लगाने से पहले हम सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि जो हमारी सीड जर्मिनेशन हो वो अच्छे से हो सके और हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो सके फर्स्ट प्रिपेटी टीलेज प्रिपेटी टीलेज दो टाइप से होता है प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज प्राइमरी टीलेज हम सीड लगाने से पहले जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है हार्वेस्ट करने के बाद हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं ताकि जो फील्ड के अंदर जो वेस्ट होता है उसको हटाने के लिए और सॉइल को क्लीन करने के लिए भी हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं और सॉइल को डीप करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं इसमें हम काउंट्री प्लाउ मोल्ड बोर्ड प्लाउ बेस प्लाउ और ट्रैक्टर इन इम्प्लीमेंट्स का हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी टीलेज प्रोसेस हम प्राइमरी टीलेज के बाद करते हैं इसको इसमें हम सॉइल के अंदर जो क्लोथ्स होते हैं उसे हटाने के लिए उसे ब्रेक करने के लिए और सॉइल को और अच्छा गुड टिल्थ बनाने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा सीड जर्मिनेशन प्रोसेस हो वो अच्छे से हो सके और मैन्योर और फर्टिलाइज़र का भी हम अंदर मिक्स कर सके इसीलिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं इसमें हम हैरो कल्टीवेटर्स घुन्टोक्स एंड स्पैर्प का यूज़ करते हैं अब है नेक्स्ट टाइप का ऑन सीजन टिलेज इंटर कल्टिवेशन और आफ्टर कल्टिवेशन ये प्रोसेस हम जब सीड जर्मिनेट हो जाते हैं जब फील्ड में क्रॉप्स uh, लग जाती हैं उस टाइम पे हम ये प्रोसेस करते हैं ताकि हम सॉइल में जो वीड्स लग जाती हैं एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स लग जाते हैं उसे हटा सकें और सॉइल के अंदर पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को ऐड कर सकें इसे हम पोस्ट सीडिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस हम सीड लगाने के बाद करते हैं इसके अंदर हम स्पेड हो और विडर्स इन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं नेक्स्ट टाइप का टीलेज प्रोसेस है ऑफ सीज़न टीलेज ऑफ सीजन टीलेज का मतलब है ये प्रोसेस हम जब क्रॉप लगाने का सीज़न नहीं होता है जब क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी होती है जब फील्ड खाली पड़ा होता है उस टाइम पे हम ये प्रोसेस करते हैं ताकि जब क्रॉप लगाने का सीज़न आए उस टाइम पे हमारी क्रॉप लग जाए इसलिए हम उस टाइम के लिए फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ टीलेज ऑन सॉइल टीलेज प्रोसेस से सॉइल में क्या इफेक्ट आता है फर्स्ट सॉइल लूज़ हो जाती है सॉइल के अंदर गैप बढ़ जाता है जिसकी वजह से सीड जर्मिनेशन फास्ट होता है और क्रॉप की ग्रोथ बेटर होती है नेक्स्ट सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं ताकि uh, टिलेज प्रोसेस करने से सॉइल अल्टरनेटली ड्राइंग और कूलिंग होती रहती है जैसे हमने टिलेज प्रोसेस किया तो उस टाइम पे सॉइल के सॉइल लूज़ हो जाती है सॉइल के अंदर गैप आ जाता है जिसकी वजह से सॉइल ड्राई हो जाती है और जिस टाइम क्रॉप लग, लग जाती है और वाटरिंग करने के बाद सॉइल वापस कूल हो जाती है तो अल्टरनेट ड्राइंग और कूलिंग होने की वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर बेटर हो सकता है सॉइल की नेक्स्ट टिलेज प्रोसेस की वजह से सॉइल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है सॉइल पेनीट्रेट ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से सॉइल ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है और सॉइल के अंदर एयर गैप्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से सॉइल ज़्यादा अमाउंट की एयर को होल्ड करती है उसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्टर हो जाती है नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ वाटर टीलेज प्रोसेस करने से वाटर का मूवमेंट अच्छे से हो सकता है पूरे फील्ड में वाटर पहुंच जाता है क्योंकि गैप्स बढ़ जाते हैं और सॉइल ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है टीलेज प्रोसेस करने से सॉइल के अंदर गैप्स बढ़ जाते हैं और गैप्स बढ़ने की वजह से के अंदर एरेशन पावर बढ़ जाती है सॉइल की जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं सॉइल के अंदर उसके ग्रोथ फास्टर होती है मल्टीप्लाई होते रहते हैं वो जल्दी से और टीलेज प्रोसेस करने की वजह से हम जब डीप टीलेज प्रोसेस करते हैं जब डीप तक लूज हो जाती है सॉइल जिसकी वजह से जो डेड डिकिंग जो प्लांट्स मटेरियल होता है वो सॉइल के अंदर चला जाता है और सॉइल की ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिशन रेट भी फास्टर हो जाती है डीकम्पोज होते ही मटेरियल्स और सॉइल ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है अब है नेक्स्ट टॉपिक टीलेज इम्प्लीमेंट्स टीलेज इम्प्लीमेंट्स के आते टीलेज प्रोसेस के टाइम पे हम कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि प्लाउ फर्स्ट है प्लाउ प्लाउ का यूज़ करते हैं प्लाऊ हमें प्राइमरी टीलेज प्रोसेस के टाइम पे काम आता है और ये सॉइल को कट करने के लिए ब्रेक करने के लिए काम आता है ताकि हम सॉइल को के अंदर जो क्लोड्स होते हैं उसे कट कर सकें सॉइल को और ब्रेक कर सकें फाइन पार्टिकल्स के अंदर सेकेंड प्लाउ है इंडाइजीनस प्लाउ इंडाइजीनस प्लाउ ये सॉइल को ज़्यादा डीपली पेनीट्रेट कर जाती है जिसकी वजह से सॉइल ओपन हो जाती है ब्रेक हो जाते हैं सॉइल के पार्टिकल्स और क्रॉप की जो रूट्स है वो ज़्यादा अंदर जाके पैनीट्रेट हो सकें ये पिक्चर है इंडाइजीनस प्लाउ का ओके okay? इसके पार्ट्स इसमें गिवन है हैंडल बॉडी शू शेयर बीम ओके अब थर्ड इम्प्लीमेंट है माउल बोर्ड प्लाउ इसका फंक्शन होता है टू कटिंग द स्लाइस टू लिफ्टिंग द सॉइल टू टर्निंग द स्लाइस एंड टू पुल्वराइजिंग द सॉइल सो माउल बोर्ड प्लाउ से हम सॉइल की इस पिक्चर में दे रखी इमेज हम इस टाइप से फरोस बना देते हैं सॉइल के अंदर ऐसे लेयर्स बना देते हैं और पुल्वराइज कर देते हैं सॉइल को मतलब सॉइल को फाइन पार्टिकल्स बारीक कर देते हैं सॉइल को जिसकी वजह से सॉइल पैनिट्रेट हो जाती है अच्छे से सॉइल के अंदर अच्छे से गैप आ जाता है सॉइल लूज हो जाती है और जर्मिनेशन के लिए और क्रॉप की ग्रोथ के लिए वो ज़्यादा अच्छी होती है सो so, ये था मेरा लेक्चर एग्रोनॉमी टीलेज के ऊपर इससे पहले मैंने हॉर्टिकल्चर की वीडियोस बनाई थी जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपडेट्स लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर